स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक है टॉपिकल एजेंट्स, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट है, आपको याद होगा, तुम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। और उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के बारे में। और उसमें लेक्चर नंबर 1 हीमेटेनिक्स, लेक्चर नंबर 2 और 3 में हम लोगों ने बात किया था जीआईटी एजेंट के बारे में। आज लेक्चर नंबर 4 में हम टॉपिकल एजेंट के बारे में बात करेंगे। सबको गुड इवनिंग। क्या आप सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर सब कुछ ठीक है तो मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। जी अरविंद जी गुड इवनिंग, अमित गुड इवनिंग, विनायक गुड इवनिंग, भैया सुधा गुड इवनिंग, जयवीर और मनोज सबको गुड इवनिंग। क्या आप सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? अगर आवाज प्रॉपर आ रही हो तो मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू आनंद जी। तो मैं बात कर रहा था कि टॉपिकल एजेंट्स क्या है, ये हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा तो आजकल सर्दियां शुरू हो गई हैं, जैसे कि मेरे कपड़े देखकर आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट हो गई है। और उस केस में हम आजकल बॉडी लोशन लगाना शुरू कर चुके हैं, बोरो प्लस लगाना शुरू कर चुके हैं। लड़कियां तो ज्यादा फैशन करती हैं, लड़के भी कुछ बहुत शौकीन कम नहीं होते हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं मेकअप कर करके। तो लोग फैशन कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पे ढेर सारे क्रीम ऑइंटमेंट लगाते हैं क्योंकि ठंडियों में चेहरा थोड़ा सा रूखा हो जाता है सर। तो जो ये हम ऊपर लगा रहे हैं क्रीम लोशन पाउडर ये सभी, या कहीं हमको चोट घाव लग जाता है तो जले कटे पे हम अपना जो चोट घाव पे मलहम लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, यानी कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपने शरीर के ऊपर अप्लाई करते हैं। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, खुद को सुंदर दिखाने के लिए, प्रोटेक्टिव के लिए यानी किसी भी बाहर से चीजों से बचने के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए यानी कि हमें जो भी नमी वगैरह चाहिए होती है ठंडियों में, जो चेहरा रूखा हो जाता है, इन सभी कामों के लिए जो हम स्किन पे जो क्रीम लोशन पाउडर जो भी चीजें लगाते हैं वो कहलाते हैं हमारे टॉपिकल एजेंट्स। यानी आज की क्लास में हम बात जो कर रहे हैं वो हमारा है टॉपिकल, ठीक है। व्हाट इज द टॉपिकल एजेंट, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा, अरे क्या हो गया, जिनको हम अपने शरीर के अंदर नहीं ले जाते, ना टैबलेट के फॉर्म में, ना कैप्सूल के फॉर्म में, ना सिरप के फॉर्म में, ना टॉनिक के फॉर्म में, ना किसी भी तरीके से। इसे हम अपने शरीर में त्वचा के बाहर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, वे होते हैं टॉपिकल एजेंट्स। दो तरीके से काम करते हैं, या तो जिस जगह पे हमें कोई इन्फेक्शन है हम उस जगह पे लगा के उस ऑर्गेन को बाहर से ठीक कर सकते हैं, ये हो गया हमारा आउटर इफेक्ट। कभी कभी ये हमारे स्किन पे जाने के बाद वो हमारी ड्रग हमारे मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद वहां से बाहर निकल के निकलती है, तो उस केस में भी हम क्या देख सकते हैं कि वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो कैसे काम कर रहे हैं, वो काम इस तरह से कर रहे हैं कि हम उसको जो भी खा रहे हैं यानी जो भी दवाइयां खा रहे हैं वो मतलब जो भी दवाइयां लगा रहे हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के सिस्टमैटिक इफेक्ट भी दे सकता है, सिस्टेमिक इफेक्ट भी दे सकता है। तो टॉपिकल एजेंट्स बारे में क्लियर हो गया कि हमारे त्वचा के बाहर लगाए जाते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, किस किस लिए लगाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव, जैसे आप देखते होंगे कि जब कोई क्रिकेटर मैच खेलते हैं तो वो लोग अपने चेहरे पे बहुत सारा पाउडर या होठों पे पाउडर या कुछ क्रीम लगा के खेलते हैं सफेद सफेद, ताकि वो सनबर्न ना हो, धूप में उनकी तरह जले ना, तो प्रोटेक्टिव हो गया। कभी कभी हम लोग बोरोप्लस लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं, चेहरा हमारा रूखा ना हो तो मॉइस्चराइजिंग हो गया, ठीक है। कोई हमें चोट लग गई, घाव लग गई, हम लोग ऊपर से कोई क्रीम लगा दिया, ठीक है, वो इस तरह से कई तरीके से हम लोग आपको टॉपिकल एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इन्हीं के बारे में हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे कि टॉपिकल एजेंट्स क्या हो। तो सबसे पहले टॉपिकल एजेंट्स का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है कि डेफिनेशन क्या कहती है, क्या कहती है डेफिनेशन कि टॉपिकल एजेंट क्या है। डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, चलिए शुरू से, कि डोज फार्मास्यूटिकल केमिकल एजेंट्स, यहां डोज हो गया, इसको डोज लिख दीजिएगा,
those pharmaceutical chemical agents which are applied on the upper surface of the skin. त्वचा के ऊपरी परत पे जिसका इस्तेमाल किया जाता है किस पर्पस से? फॉर क्लीनिंग, साफ सफाई के लिए, ब्यूटीफाइंग यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए, आकर्षण बढ़ाने के लिए, एंड प्रिवेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर कॉल्ड टॉपिकल, और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए हम जो स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर बाहरी परत के जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसे टॉपिकल एजेंट कहते हैं. Topical means pertaining to a particular locality or place. इसका मतलब topical का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं किसी की जगह pertaining करते हैं local, स्थानीय. उसी तरह किसी शरीर के किसी एक भाग पे जब किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं particular वो topical होता है. Simply it means local substance which are applied directly to the skin. इसका मतलब topical का मतलब होते हैं ऐसे पदार्थ जो direct skin पर लगाए जाते हैं उन्हें ही हम topical कहते हैं. ठंडियों में लोग ढेर सारे तरह तरह की क्रीम यूज करते हैं, जैसे मैं आजकल बोरोप्लस लगा सकता हूँ, होंठ फट रहे हैं, हाथ फट रहे हैं, बोरोप्लस. और कोई क्रीम कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं भाई जो लड़के लड़कियां हैं इस लाइव सेशन में, थोड़ा मुझे बताइए चैट बॉक्स करके और कौन कौन सी क्रीम है जो आप अपने हाथों में, चेहरे पे, त्वचा पे लगाते हैं. मैं जानूंगी कौन कौन से टॉपिकल एजेंट का इस्तेमाल आपके घरों में होता है, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ. देखिए आपका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आता है तो उसको पढ़ के थोड़ा सा मजा लिया जाए. ठीक है, इसी तरह कुछ रिप्लाई आ रहा है, देखते हैं कौन कौन से, कौन सा क्रीम लगा रहे हैं, कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं कौन से लोग. ठीक है, बोरोलिन के वाला बोरोलिन तो बहुत पुराना हो गया, मेरे ख्याल से तो मिलता भी नहीं, बोरोप्लस आता है लेकिन बोरोलिन ये बहुत अच्छा हुआ करता था. वैसलीन यूज करते हैं मनोज गुप्ता जी. हाँ, वैसलीन जब पेट्रोलियम जेल थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए और होठों के लिए, लिप्स के लिए बेसिकली. ठीक है, बाकी पंकज जी यूज करते हैं बोरो प्लस, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है. स्वाति यूज करती है क्या एलोवेरा जेल, बायोटिक क्रीम, अरे बाप रे बाप, लिप ब्लॉक्स. अरे भाई साहब बहुत बड़े करिश्माई लोग हैं मेरे क्लास भाई, बड़े अच्छे अच्छे जाते हैं, तो बहुत से नाम भी नहीं सुना था. बताइएगा कौन सा ज्यादा अच्छा होता है, किसको लगाने से लोग सुंदर हो जाते हैं, मुझे बताइएगा, मैं भी ट्राई करूंगा अपने पास, थोड़ा मुझे भी सुंदर बनने का हाथ है यार. ठीक है, तो जैसे आगे बात करते हैं टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं और टॉपिक आगे बढ़ते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो टॉपिकल एजेंट्स होते हैं बेसिकली क्या काम करते हैं उसके आधार पर तीन तरीके के होते हैं, प्रोटेक्टिव, एंटीमाइक्रोबियल, एस्ट्रिंजेंट. तीनों को समझ लेते हैं हम बारी बारी से. प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब इसको अपनी स्किन पे हम अप्लाई करते हैं तो बाहर से जो आने वाले बैक्टीरिया वायरस है उनसे इसकी रक्षा. अक्सर आप देखते होंगे कहीं पे आपको चोट लग जाए, कट लग जाए, घाव लग जाए, जब वहां पे ब्लड निकलता है, वो खुल जाता है एरिया, तो वहां पे बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं. अगर वहां पे कोई मलहम, कोई लोशन, कोई क्रीम हम लगाते हैं तो वो मलहम, लोशन, क्रीम एज प्रोटेक्टिव काम करता है और प्रोटेक्टिव की तरह हमारी त्वचा को, हमारे स्किन को बचा के रखता है. ठीक है, तो प्रोटेक्टिव का नाम ये हो गया. एंटीमाइक्रोबियल आपको नाम से ही लग रहा होगा, व्हाट इज एंटीमाइक्रोबियल, जो माइक्रोब्स को किल करेगा. अगर कहीं पे घाव है, कहीं पे चोट है, स्किन में कोई दिक्कत है और वहां पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उस माइक्रोब्स को मारने के लिए जो एंटीबायोटिक्स दवाई हम इस्तेमाल करते हैं वो एंटीमाइक्रोबियल होती है. और तीसरा है एस्ट्रिंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एस्ट्रिंजेंट का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग सेविंग करते हैं, जो लड़के बेसिकली सेविंग करते हैं, कभी वो सेविंग के बाद वो लोग फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, स्किन पे घिसते हैं. क्यों इस्तेमाल करते हैं फिटकरी, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर कहीं पे आपको कट फिट गया है फिट सेविंग करते समय ब्लेड से, तो जो ब्लड बहने लगता है वो फिटकरी का इस्तेमाल करने पर वो ब्लड बहना बंद हो जाता है. ये कैसे काम करता है एस्ट्रिंजेंट, मैं अभी आपको इसकी लास्ट क्लास में इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मैं इसको देखना चाहता हूँ कि कैसे ये काम करते हैं एस्ट्रिंजेंट. दोस्तों बेसिकली जो एस्ट्रिंजेंट होते हैं, ये मान लीजिए हमारा कोई स्किन है, ये स्किन है और ये स्किन की कोई लेयर है और यहाँ पे कोई कट गया और घाव हो गया और यहाँ से खून बह रहा, तो क्या करता है एस्ट्रिंजेंट, उस पर्टिकुलर एरिया के टिश्यूज को श्रिंक कर देता है, यानी उस जगह की कोशिकाओं को, जब एस्ट्रिंजेंट इस्तेमाल करते हैं फिटकरी, तो उनकी कोशिकाओं को सिकोड़ देता है, श्रिंक करता है और यहाँ के ब्लड को प्रेसिपिटेट कर देता है, यानी खून को जमा देता है, खून का थक्का जमा देता है, ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है.
यानी पहले तो घाव को जब श्रिंक करेगा तो जो घाव का मुंह चौड़ा था वो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। दूसरी चीज ये वहां के ब्लड को प्रेसिपिटेट कर देगा। इस तरीके से काम करता है आपका एस्ट्रिंजेंट। क्लियर हो गया? इस तरह से काम करता है। तो एस्ट्रिंजेंट भी क्या है, ये बेसिकली स्किन के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, इसका इस्तेमाल दोस्तों होता है ब्लड के प्रेसिपिटेट करने के लिए या ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए, कहीं कटा घाव है उसको रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए, तीन तरह के होते हैं टॉपिकल एजेंट्स। हम अपने सिलेबस में प्रोटेक्टिव, एंटीमाइक्रोबियल, एस्ट्रिंजेंट, इन तीनों के बारे में बात करेंगे और इनके एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में है केमिकल कंपाउंड्स उनकी बात करेंगे इस पूरी की क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। युवराज सिंह ने क्या कमेंट किया है, मेगा फोमन ट्रेल कौन सा क्रीम है भाई, ये तो बहुत पहली बार हमारे साथ कोई क्रीम सुनता है। चलिए अब प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट कैटेगरी में एक आता है टैल्क। टैल्क में आपने नाम सुना होगा टैल्कम पाउडर, नाम सुना है, ये पाउडर होता है, आपने पाउडर खूब लगाया होगा याद है, जब गर्मियों में अक्सर जब आप घर से बाहर निकलते हैं धूप होती है तो पाउडर वाउडर लगाते हैं, तो कुछ आजकल तो बड़े परफ्यूम वाले पाउडर आते हैं, लगा लो तो खूब महकने लगता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, जानवर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं कभी कभी बहुत बुरी तरह से लगा लिया जाए, चेहरा आपका सफेद हो जाए तो। ठीक है, तो बेसिकली टैल्क जो है वो जो टैल्कम पाउडर होता है उसमें टैल्क होता है। टैल्क क्या है, एक चट्टान से मिलने वाला एक पाउडर है जो सफेद रंग का होता है, जो प्रोटेक्टिव और जाबुन की तरह काम करता है, हमारे शरीर को धूल थक्कर बाहरी चीजों से बचाता है और पाउडर के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है एज अ टॉपिकल एजेंट। ठीक है, तो टॉपिकल एजेंट में हम बात करते हैं तो इस पर टैल्क के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। एक इनर्ट सब्सटेंस होता है, इट इज ए इनर्ट सब्सटेंस, मतलब ये इनर्ट होने का मतलब है कि किसी भी अन्य कंपाउंड से हमारे स्किन के साथ, हमारे स्किन के केमिकल्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, और ये एसिड के साथ या अदर केमिकल के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता है, यानी पूरी तरह से इनर्ट होता है और इनर्ट कंपाउंड हमारे लिए सेफ होगा। ठीक है, इसको हमेशा एक क्लोज कंटेनर में पाउडर को खोल के रखते हैं, हमेशा बंद डिब्बे में रखते हैं। मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल यूज करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल एम की तरह इस्तेमाल करते हैं, डस्टी पाउडर वगैरह जो बनाते हैं उसमें टैल्कम को यूज करते हैं उसके बल्ब को बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल एम की तरह, और एरोमेटिक वाटर के प्रिपरेशन भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही लिखना है टैल्क के बारे में, जब भी आपसे पूछेगा राइट अ शॉर्ट और टैल्क दो टाइमलाइन का आपको बस दो नंबर का पूछेगा ऐसे ही। अगला है जिंक ऑक्साइड ZnO। जिंक ऑक्साइड भी एक तरह का प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द जिंक ऑक्साइड, इसका काम क्या है, कैसे काम करता है। तो जिंक ऑक्साइड को बनाते कैसे, भाई जिंक मेटल ले लो, जिंक मेटल ले लो दो पार्टिकल, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दो, एयर के साथ, ऑक्सीजन मतलब उसको मेटल को खुले में रख के एयर के कॉन्टेक्ट में छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक रिएक्शन करके जेनरेट बनाएंगे। मेटल जो होते हैं काफी रिएक्टिव होते हैं, वो अपने आप ही रिएक्शन करते हैं। जैसे कि जिंक पाउडर आप सामने रखा हुआ है, कभी कहते हैं जैसे टैल्कम पाउडर होता है बिल्कुल इसी तरह जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसको लार्ज अमाउंट में जिंक को बर्न करते हैं, जिंक मेटल को लेकर के जला देते हैं, तो उसकी राख होती है वो लगभग सफेद रंग की होती है, उसकी भस्म जो है वो जिंक ऑक्साइड पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करते हैं, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर सकता है इसलिए, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो होता है ये बहुत जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके जिंक कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको जब भी रखते हैं तो क्लोज कंटेनर में रखते हैं, टाइट कंटेनर में रखते हैं। इसे कुछ और रिएक्शन होते हैं, जिंक ऑक्साइड पेस्ट के फॉर्म में मिलता है, तो हाइड्रोग्राम का पैकेट स्टार्च के साथ मिला करके और व्हाइट सॉल्ट पैकेट मिला करके एक तरह का इसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, हम सकते हैं क्रीम बनाया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेडिकल यूज क्या है, जिंक ऑक्साइड कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोटेक्टिव दो वही है, इसके साथ साथ ये एस्ट्रिंजेंट एंड प्रोटेक्टिव दोनों की तरह काम करता है। प्रोटेक्टिव हमारे स्किन को बचाएगा, साथ साथ ये जिंक ऑक्साइड एस्ट्रिंजेंट की तरह भी काम करता है, यानी हमारे शरीर में घाव है, चोट है, ब्लड है, बह रहा है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक इस टाइप माइल्ड एंटीसेप्टिक और एडजस्टिव होता है, यानी कि एंटीसेप्टिक का मतलब है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो, उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, जो जिंक ऑक्साइड का ऑइंटमेंट होता है, जो जिंक ऑक्साइड का पाउडर होता है, ये हमारे स्किन में जो खुजली उजली की दिक्कत होती है ना, जैसे कि एक्जिमा, रिंगवॉर्म, पोर्टोसिस, सोरोसिस, जो हमारे इन्फेक्शन है, दाग, खाज, खुजली हो गई है, तो जिंक ऑक्साइड का पाउडर या जिंक ऑक्साइड का ऑइंटमेंट लगाने से बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इट ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टर्स, आप देखते हो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर्स बनते हैं, ठीक है, जो पीओपी वगैरह होता है, उन सब में भी ये सफेद रंग का जिंक ऑक्साइड पाउडर होता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मेडिकल फार्मास्यूटिकल यूज, दूसरा कंपाउंड है, ये हो गया।
मेडिसिनल यूज क्या है कि भाई ये एक माइल्ड एंटीसेप्टिक है, डस्टिंग पाउडर है, इसे ऑलरेडी वही सेम प्रॉपर्टी है। कैलामाइन, कैलामाइन के बारे में जानते होंगे आप लोगों ने, कैलामाइन लोशन के बारे में सुना होगा। व्हाट इज द कैलामाइन लोशन, जो हम लोग बॉडी लोशन इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, बॉडी लोशन जो इस्तेमाल करते हैं उसमें मैक्सिमम कैलामाइन मिला होता है। ठीक है, जय वीर ने पूछा कि जिंक का काम में आता है, जिंक भाई बता दो भैया, जिंक बहुत काम में आता है। पहले तो हमारी बॉडी के अंदर चले जाओगे तो जिंक एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, मेटल की तरह काम करता है, बाकी जिंक ऑक्साइड वगैरह हमारे बॉडी में एज ए टॉपिकल एंड एस्ट्रोजन की तरह इस्तेमाल होता है। कैलामाइन, कैलामाइन एक बीपी की तरह की लोशन है। कैलामाइन लोशन आपने बॉडी लोशन आप लगाते होंगे, बोरोलिन, बोरोप्लस और जाने कौन कौन सी कंपनी के बॉडी लोशन आते हैं। मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कम करता हूँ ब्यूटीफिकेशन वाले आइटम्स, तो इसलिए मैं मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो लोशन वगैरह आते हैं ठंडियों में इस्तेमाल किया जाते हैं, शरीर में हाथ पे हाथ पर लगाने से थोड़ा सा हाथ पर सॉफ्ट रहता है, रूखापन खत्म हो जाता है, तो उसमें एक सबसे खास कंपोनेंट पड़ा होता है कैलामाइन। जितने भी बॉडी लोशन होते हैं उसमें कैलामाइन बहुत ज्यादातर देखा जाए तो पाया जाता है। कैलामाइन जो होते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है जिंक कार्बोनेट, यानी वो जिंक जो था उसको जब आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो जिंक ऑक्साइड बना, जब उसका CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक कार्बोनेट बनेगा, जिसको ये हम कैलामाइन कहते हैं। और इसमें फेरिक ऑक्साइड भी पाए जाते हैं, जिंक कार्बोनेट के साथ साथ कुछ मात्रा में फेरिक ऑक्साइड भी होते हैं, यानी लोहे के कुछ कण होते हैं। इसी के कारण कैलामाइन का जो कलर होता है वो हल्का रेडिश या हल्का पिंकी सा कह सकते हैं कि हल्का सा लोहे के रंग का होता है, इसलिए इसका कलर होता है क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। कैलामाइन की बात करें तो जिंक ऑक्साइड कलर्ड होता है, उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, इसलिए उसका कलर जिंक देना होता है। ये एमॉर्फस है, मतलब व्हाट इज द एमॉर्फस, जिसका साइज सेम फिक्स ना हो। ठीक है, उस क्योंकि इसका जो साइज सेम फिक्स नहीं होता ये एमॉर्फस होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। इसके साथ साथ इसका जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कि फेरिक ऑक्साइड कितना ज्यादा है, फेरिक ऑक्साइड कम होगा तो उसका कलर हल्का पिंकिश होगा, फेरिक ऑक्साइड ज्यादा होगा तो उसका कलर थोड़ा सा रेडिश होगा, फेरिक ऑक्साइड और ज्यादा होगा उसका कलर ब्राउनिश हो जाएगा, यानी उसका कलर की इंटेंसिटी डिपेंड करती है उसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा कितनी ज्यादा है। ठीक है, और ये हमेशा पानी में अघुलनशील होता है, इसलिए इसको पानी में नहीं घोल सकते, लेकिन मिनरल एसिड वगैरह में इसको हम डिजोल्व करके इसका सोल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे आप देखिए, ये देखिए लैक्टोकैलामाइन लोशन आपने खूब देखा होगा, खूब यूज किया होगा, और अगर यूज नहीं किया होगा तो अगर आपके कोई महिला मित्र है, कोई दोस्त है, सहेली है, कोई बहन है आपके घर में, तो आप उनको लगाते हो जरूर देखा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं हाथ पैर लगाने के लिए, कोई हाथ लगाती है, कोई पैर लगाती है, तो ये अपने घर में जाके थोड़ा छानबीन करेंगे तो आपको ये वाली चीज जरूर मिलेगी। ये जो कैलामाइन लोशन है ठंडियों में अस्तर लगाया जाता है, इसकी सेल ठंडियों में पड़ जाती है, ये इसका एग्जाम्पल है लैक्टोकैलामाइन लोशन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक का। There is a possibility of adulteration with dyes, test for water soluble dyes and dye for it. ठीक है? इसको कैसे identify करते हैं कि जो आपको कैलामाइन मिला है वो original है, duplicate है? उसके लिए हम dye इस्तेमाल करते हैं। Water soluble dye, alcohol soluble dye. Water soluble dye के साथ ये reaction नहीं करेगा क्योंकि पानी में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन alcohol soluble dye के साथ ये reaction करेगा। इस तरीके से हम इसको identify कर सकते हैं कि what is the क्या हमारा original है। Pharmaceutical use क्या है इसका? ये topical प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसको लोशन में, पाउडर में, सूदरी एजेंट बनाने में, सूदरी एजेंट मतलब इसको लगाने से गर्मी में ठंडक का एहसास होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो धूप में जलने वाली क्रीम होती है, सनबर्न क्रीम, एक्जिमा जो हाथ पैर में खुजली होने लगती है, यूट्रिक एरिया एंड सम अदर स्किन कंडीशन जो अलग अलग बीमारियां होती है स्किन की त्वचा की, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो उसमें काफी इंप्रूवमेंट होती है, काफी राहत। अब हमारा पहला हो गया प्रोटेक्टिव, हम लोगों ने पढ़ लिया, पहली कैटेगरी खत्म, सिलेबस में इतना ही ड्रग था जितना ड्रग मैंने आपको पढ़ा दिया या आपने यहाँ पे देख लिया। कुछ बच्चों को कुछ कमेंट आए पढ़ लेता हूँ। नीरज जी कह रहे हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, हाँ वो बीपी का मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया, क्योंकि जो इसका फार्मूला है वो बीपी में, बीपी से ही लिया गया है। कैसे बात है, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एस्ट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट जिसका इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया और वायरस को हमारे शरीर में घुसने से रोकता है, बैक्टीरिया और वायरस को मारता है, यानी हमें कुल मिला के बैक्टीरिया वायरस के इंफेक्शन से बचाता है, वही हमारे होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो बेसिकली हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका इस्तेमाल करके किलिंग को रोकते हैं। ठीक है, इस तरह से एंटीसेप्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट जो किसी नॉन लिविंग सर्फेस, जैसे कोई बर्तन है, कोई कंटेनर है, कोई सेल्फ है, वहां पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं।
जर्मिसाइड्स मतलब जो जर्म्स को किल करते हैं जैसे फंगस वायरस स्पोर्स, ठीक है, यानी कि एंटीमाइक्रोबियल कैटेगरी बताना। बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोके, उनकी संख्या को बढ़ने से रोके। सैनिटाइजर तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कोरोना में आपने सैनिटाइजर ही तो यूज किया है। सैनिटाइजर में क्या होते हैं, ये हमारे सैनिटाइजर पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप कह रहे हो माइक्रोब्स को किल करने के लिए, उसको संख्या ना बढ़े इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का इस्तेमाल क्या होता है, इसका जो 1% सोल्यूशन होता है किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं इस आंखों में, क्योंकि आंखों में इंफेक्शन वगैरह के लिए ये आई ड्रॉप वगैरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे काम करते हैं ये माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं, कैसे बैक्टीरिया को मारते हैं, तीन मैकेनिज्म से मारते हैं, ऑक्सीडेशन करके, हैलोजनेशन करके, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करके। यानी जो आपके बैक्टीरिया वगैरह है, जो बैक्टीरिया है वायरस है, उनके ऑक्सीडेशन करने से उनका जो स्ट्रक्चर है चेंज होता है, उनका लाइफ साइकिल चेंज होती है, उनको मारता है। हैलोजनेशन मतलब उसमें हैलोजन ग्रुप ऐड करके बेसिकली क्लोरीन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सब। और प्रोटीन प्रेसिपिटेशन यानी जो बैक्टीरिया का प्रोटीन है उसको पूरी तरह से प्रेसिपिटेट कर दो, जमा दो, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाएगा, इस तरह से काम कर सकते। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब भी आपको कोई चोट लगे घाव लगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक सीसी में से निकालता है कॉटन में, वो थोड़ा सा आपके स्किन में डालता है या उसको घाव को धुलता है तो हल्का सा बुदबुदे निकलते हैं, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2 फॉर्मूला होता है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में हमेशा पाया जाता है, इसका जो ये कलरलेस पानी की तरह होता है, सिर्फ ही लिक्विड होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, कोई भी महक नहीं होती है, बिल्कुल पानी की तरह होता है, इसका सोल्यूशन होता है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, वाटर सॉल्युबल है, एल्कोहलिक है, ठीक है। ये बेसिकली वो तो फार्मूला है H2O2 डबल ओ मॉलिक्यूल है, एक तरफ H एक तरफ H लगा हुआ है, H2O2 मॉलिक्यूल का फार्मूला देख लीजिएगा। बाकी देख लेते हैं फार्मूला H2O2 है, बल्क वेट क्या होगा 34, कैसे निकालते हैं पता है ना, हाइड्रोजन का 1, 1, 2 और ऑक्सीजन का 16, 16 गुना 32, 32 दो 34, ऐसे निकाल लिए। डेंसिटी 1.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी कि पानी से भारी है। बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट 0.-0.4 से यानी 0 से कम टेंपरेचर पे ये बर्फ बनेगा, जमेगा। स्टोरेज कंडीशन हमेशा इसको वेल क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए, तो ये उड़ जाता है, ठीक है। लेबोरेटरी में हम कैसे इसको बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डिटेल में, इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को थोड़ा डिटेल पढ़िएगा, इसके नोट्स को अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे हैं, बेरियम ऑक्साइड ले लीजिए BaO2 एट वाटर, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, थोड़ा सा डिटेल दिखाता हूं। ये बेरियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट, देखिए ध्यान से, इसका Ba और इसका सल्फेट, देखो BaSO4 BaO2 का Ba और सल्फेट का SO4 ये निकाल दूंगा मतलब बेरियम सल्फेट, अब इसका बचा O2 और इसका बचा क्या H2, मिला दो क्या बनेगा H2O और एक H2O उठा के यहां से ले लेते हो। यानी कि कितना आसान तरीका है कि बेरियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराओ, बेरियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड निकलता है, ये बहुत आसान तरीका केमिकल ऐसे आता है। इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, तो लैबोरेटरी में था, लैबोरेटरी का मतलब होता है कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लैबोरेटरी मेथड, तो उसका मतलब होता है कि जब कम स्केल पे बनाना है, छोटी मात्रा में बनाना है, और जब कहें इंडस्ट्रियल मेथड उसका मतलब होता है जब बड़ी मात्रा में बनाना है, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम गर्म करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, फिर उसी सल्फ्यूरिक एसिड को जो हमने गर्म किया हुआ है एक्वस को, उसको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है बड़े बड़े कंटेनर में घंटों घंटों प्रोसेस से। कैसे काम करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह, मैंने कहा जब कोई घाव हो कोई चोट उसको धुलने के लिए, जर्मिसाइड की तरह घाव के लिए, वॉशिंग बाउल के लिए घावों को धुलने के लिए, टीथ एंड ईयर्स कान और दांत साफ करने के लिए, कभी कान सफाई के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, अंडर द नेम फेरिड्रिल, ये मार्केट में फेरिड्रॉल के नाम से बिकता है, बहुत फेमस है ये सोडियम परबोटेट सोडियम परकार्बोनेट के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारा दूसरा है जिंक परऑक्साइड, जैसे आपने देखा अभी H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसी तरह से जगह O2 हमारा हो जाएगा जिंक परऑक्साइड। तो जिंक परऑक्साइड की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा जैसे वो हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में था ये ठोस फॉर्म में, इसको डिसॉल्व करके यूज किया जाता है, ये ऑर्डरलेस व्हाइट या येलोइश सॉलिड होते हैं, पीले या सफेद रंग के सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसको बेसिकली जिंक को जिंक ऑक्साइड को जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा के H2O2 के प्रेजेंस में हम जिंक परऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। यानी कैसे बनाते हैं, हम जिंक ऑक्साइड को ZnO को या जिंक हाइड्रोक्साइड को H2O2 के साथ रिएक्शन करके हम मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं। स्टोरेज की बात कर लें,
बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है, यानी बहुत जल्दी से एयर की उपस्थिति में खराब हो जाता है, इसलिए इसको हमेशा ठंडे जगह पर रखते हैं और सनलाइट से दूर रखते हैं, क्योंकि सनलाइट पे ये बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, ये जितना भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उनके साथ ये इनकंपैटिबल है, यानी कि उनके साथ तुरंत रिएक्शन करेगा, तो इसलिए इन सभी के साथ इसको दूर रखते हैं, शीशे कंटेनर बंद कर रखते हैं। यूज बहुत कॉमन सी बात है, बेसिक यूज लिखना है, क्या लिखना है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, टॉपिकल प्रिपरेशन इस्तेमाल करते हैं, एडिटिव्स है और एसेप्टिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि जो एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, इसको सर्जिकल एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल किया जाता था बहुत पहले जब एंटीसेप्टिक के तौर पर इसको सर्जरी वगैरह में जब किसी को चीर फाड़ होता था तो बाद में उसको लगाने के लिए दिया जाता था, इसको लगाओ था बनेगा। ठीक है, जिंक पेरोक्साइड की बात करें तो ये जैसे कि पायरोटेक्निक मिक्सर में, यानी वो बम विस्फोट करना हो, कोई पटाखे बनाने हो या कोई बम बनाने हो तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से एयर के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोड करता है, फट जाता है, इसलिए इसको पटाखे वगैरह बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा खतरनाक से। ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिएगा जब हम लोग, कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, याद करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट KNO4 ये भी एक एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, प्रिजर्वेटिव है। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन वॉयलेट रंग का, हल्के बैंगनी रंग का सॉल्यूशन होता है और ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, कहीं घाव लग जाए, चोट लग जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट से धुलाई करते हैं तो बहुत जल्दी घाव फटता है। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके मन में कुछ बेसिक नॉलेज इस चीज की बनी रहे। तो प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे, डार्क पर्पल या ब्राउनिश या ग्रेनुलर पाउडर होते हैं, ये पाउडर के फॉर्म में होते हैं, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, पाउडर फॉर्म में होते हैं। पर्पल रंग के होते हैं, जिसमें बताया कि पर्पल या बैंगनी रंग के होते हैं। ठीक है, ये डार्क पर्पल भी होते हैं, कभी कभी काले रंग के भी पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा डार्क है तो काले होते हैं। मेटल लाइन चौकते रहते हैं, मेटल की तरह ऑर्डरलेस होते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीटिश एस्ट्रिजेंट की तरह होता है। ठीक है, स्टोरेज की बात कर ले, इसको हमेशा, क्योंकि ये मटेरियल बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है और जो मटेरियल ऑक्सीडाइज होते हैं वो हवा के साथ रिएक्शन करके खराब हो जाते हैं, इसलिए इसको हमेशा बंद क्लोज टाइट क्लोज कंटेनर पे रखने की कोशिश किया जाता है, इसको रखा जाता है। इसको हमेशा, आगे बात कर ले, ये कैसे काम करते हैं, एज एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीसेप्टिक है। परमैंगनेट जो होता है किसी भी घाव वगैरह, चोट वगैरह में, जैसे गोनोरिया वगैरह हो गया, कैरिडाइटिस हो गया, इन सब बीमारियों में जो घाव वगैरह होती है उसको धुलने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया इससे घाव बहुत जल्दी भरता है, ये बहुत ही काम की चीज, ये फॉर्मूला है KNO4 का, स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि कंटेनर आपको नहीं पढ़ना है। आयोडीन की बात कर लेते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट था उसी तरह हमारे सिलेबस में एक नेक्स्ट कंपाउंड है आयोडीन। जी हाँ, वही आयोडीन जिसको हम लोग खाते हैं नमक के साथ और जरूरी होता है शरीर पे, उसी तरह से आयोडीन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल होता है, जिसको हम लोग क्रीम लोशन का इस्तेमाल करते हैं त्वचा पे लगाने के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, घाव के लिए, चोट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये डार्क वॉयलेट कलर का होता है, हल्के लाल डार्क बैंगनी कलर का होता है, ग्रीक भाषा के आयोडीन शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है वॉयलेट। ठीक है, जो ये नॉन मेटैलिक हैलोजन एलिमेंट के कारण जो होता है ये पीरियोडिक टेबल में जो है वो 7B ग्रुप में पाया जाता है, इसे आपने पढ़ा होगा, हैलोजन का बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो 7 ग्रुप में होता है, इसे आप जानते हैं। आयोडीन जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल होता है हमारी बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर आयोडीन कमी होगी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे झींगा रोग होता है, तो इसलिए हमारे शरीर का ये वाइटल एलिमेंट है, आवश्यक, इसके बिना जिंदगी संभव नहीं। ठीक है, एक न्यूट्रिएंट है, इसको हमेशा करीब 150 माइक्रोग्राम पर डे खाने के लिए भी कहा जाता है, ये केवल टॉपिकली इस्तेमाल नहीं होता है, इवन इसको खा भी सकते हैं, इससे पहले जो कि आपने दवाइयां पढ़ी वो सब टॉपिकली उसे खा नहीं सकते, लेकिन आयोडीन को खाया भी जाता है, यानी ये एक हमारे एडिबल भी है और टॉपिकल भी है। ठीक है, हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड से ये बेसिकली पाया जाता है। कैसे बनाते हैं इसको, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड के साथ मिक्स करके या गर्म करके हम इसको प्राप्त करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, सोडियम आयोडाइड ले लिया, उसको हीट करने पर हमें आयोडीन प्राप्त होता है, या सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हम प्राप्त कर सकते हैं, या इसको बेसिकली हम जो समुद्री शैवाल होते हैं, जो समुद्र के शैवाल होते हैं उनसे आयोडीन बहुत मात्रा में निकाली जाती है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन होता है वो समुद्री शैवाल के द्वारा, सी वीड्स के द्वारा इसको पाया, उसको जला करके उसकी जो राख निकलती है उस राख से आयोडीन निकाला जाता है, ये सबसे रिच सोर्स है आयोडीन प्राप्त करने का। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम क्रिस्टल की तरह ये भी होते हैं, सोडियम पोटेशियम में आयोडाइड में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड में सॉल्युबल होते हैं। स्टोरेज की बात कर लें, वोलेटाइल नेचर होता है, यानी आयोडीन को अगर आप खोल कर रख देंगे तो
एक आध दो घंटे बाद देखेंगे वो गायब हो जाएंगे। वो बहुत तेजी से वोलेटाइल होता है। और मैंने आपको बताया था कोई भी ड्रग वोलेटाइल कब होता है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमारे रूम टेम्परेचर से कम होता है या उसके आसपास होता है। ठीक है, इसको हमेशा लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर रखते हैं, यानी लाइट ऐसे रखते हैं बोतल में जो डार्क कलर की हो, एम्बर कलर की हो, ताकि वो प्रकाश के साथ रिएक्शन ना कर सके। इसको हमेशा गर्म ठंडी ठंडी जगह पे और अंधेरे में रखते हैं, या बोतल ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो लाइट कलर की ना हो। उसकी बात कर ले, ये थायराइड बीमारी में इस्तेमाल होता है, आपको पता है थायरोसिस के केस में बॉडी में। इसके साथ साथ ये कैटलिस्ट की तरह, एनिमल कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होता है। ये देखिए आपका थायराइड ग्लैंड, आपको पता होगा थायराइड ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, उसमें से जो हार्मोन निकलता है T3 T4, वो T3 और T4 का पूरा नाम होता है ट्राई आइगोथायरोक्सी और टेट्रा आइगोथायरोक्सी, यदि उसमें आयोडीन मॉलिक्यूल नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन बनना कहानी खत्म। ये बहुत एसेंशियल हमारा कंपोनेंट है। लास्ट वन इज एस्ट्रिंजेंट, मैंने आपको बताया था कैसे काम करता है एस्ट्रिंजेंट। ये हमारे टिश्यू को, मसल को श्रिंक करता है। जब टिश्यू और मसल को श्रिंक करेगा तो जो घाव है, जो चोट है वो सिकुड़ेगा, तो ब्लड का बहना बंद होगा और जो ब्लड बह चुका है उसको प्रेसिपिटेट करेगा ताकि वो आगे बहे। तो इस तरह से काम करता है। क्या करता है, ड्रग मेक्स अ सेल श्रिंक, सेल को सिकुड़ता है बाय प्रेसिपिटेटिंग द प्रोटीन फ्रॉम द सरफेस, उसके सरफेस जो प्रोटीन है उसको प्रेसिपिटेट कर देता है, जमा देता है ताकि खोआ खून बहना बंद हो जाए। ये लोशन के तौर पे क्रीम मलहम की तरह इस्तेमाल करते हैं, घाव को खून बहने से रोकने के लिए, चोट में घाव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो प्रिपरेशन होते हैं बेसिकली ये माउथ वॉशेस में, अगर किसी को मुंह में छाले वगैरह पड़ गए या मुंह में कट फिट गया है, पान वगैरह खाया, चूना वगैरह खाया, कट गया है, तो इसका जो एस्ट्रिंजेंट जो होते हैं उसको जब बनेगा फिट करिए, कुल्ला कर लीजिए, खून बहना बंद हो जाएगा, छाले मुंह पे ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को मुंह में बहुत छाले पड़ते हैं तो फिटकरी गर्म फिटकर पानी लीजिए, गर्म पानी से फिटकरी डालकर घोल लीजिए और उसको कुल्ला कीजिए, पीजिए नहीं केवल कुल्ला कीजिए, तो आपका जो घाव है भरेगा और बहुत जल्दी छाले नहीं हो जाते, क्योंकि ये माइल्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। यूज की बात कर लेते हैं, कैसे यूज करते हैं, घाव वगैरह भरने के लिए, स्किन की चोट को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे है हाई कंसेंट्रेशन से ये अनवांटेड टिश्यू जो ग्रोथ हो रहा है उसको रिमूव करते हैं, जो मतलब कोड़े पुलसी हो रहे हैं, जो ये अनवांटेड ग्रोथ है पुलसी उसको ठीक करता है। डायरिया के केस में भी इसको इंटरनली हम यूज कर सकते हैं, सेल मोर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, मैंने आपको बताया पहले ही, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कारण खून का थक्का जमाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगला कंपाउंड है एल्युमिनियम कंपाउंड एलम फिटकरी, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एस्ट्रिंजेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल है फिटकरी। फार्मूला होता है K2SO4 L2SO4 का होल डैश 24H2O। ठीक है, ये एक सिंपल सा फार्मूला है, पोटास एलम भी कहते हैं, अमोनिया एलम भी कहते हैं, और फार्मूला है ये आपको सामने मिलता है, इसको एल्युमिनियम के साथ एलम बनाते हैं फिटकरी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो फिटकरी का यूज क्या है आप सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मुंह में छाले पड़े तो उसका इस्तेमाल कर लो, दाढ़ी बनाए कट गई उसका इस्तेमाल कर लो, कहीं चोट लगा था उसका इस्तेमाल कर लो, बहुत सारे काम। तो यूज क्या है कि एल्युमिनियम एसीटेट जो है वो सॉल्ट एस्ट्रिंजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है आप इसको समझते हैं। ठीक है, ये अमित जी ने क्या कहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन नहीं, इसका प्रिपरेशन जिसका मैं प्रिपरेशन बता रहा हूं सिर्फ उसी का है, बाकी सबका डिटेल नहीं, केवल उसी का था, हाइड्रोजन परऑक्साइड वगैरह था, जिंक ऑक्साइड वगैरह था इनका, बाकी सबका प्रिपरेशन नहीं, केवल थ्योरी पोर्शन लेना है आपको। ठीक है, लार्ज डोज जो होते हैं वो इरिटेशन करते हैं, नेक्रोसिस में सेल वगैरह ब्लड प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, फिर जल्दी घाव में चोट पे इसको लगाया जाता है। ये हमारे बॉडी में डाई इंडस्ट्री में जहाँ पे कलर वगैरह डाई बनाते हैं वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, चमड़े को सॉफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक सल्फेट ये है, ये कंपाउंड इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसका प्रिपरेशन भी पढ़ना है। जो जिंक सल्फेट है दोस्तों ये बेसिकली हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है, ZnSO4 7H2O, हमेशा इसके साथ पानी का मॉलिक्यूल लगा होता है। कैसे बनाते हैं जिंक सल्फेट को, वो हवा के साथ रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड का रिएक्शन कराओ एयर के साथ, जब जिंक का रिएक्शन कराओ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो भी क्या बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन। दो तरीके हैं बनाने के और बहुत सिंपल तरीके हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। ये इसका फार्मूला है, कैसे बनाते हैं ZnSO4 आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह इसको देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात कर लें, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, ऑडरलेस है, पानी में क्या होते हैं बहुत ज्यादा सुघलनशील होता है, एथेनॉल में भी ये घुलनशील हो सकता है। ठीक है, बाकी ये स्किन कंडीशन केराटिस यानी स्किन में जो घाव इन्फेक्शन होता है, वायरस इन्फेक्शन, जेनाइटल्स मतलब जो जननांगों के पास जो इन्फेक्शन
इन्फेक्शन हो जाता है वहां पे, इसका इस्तेमाल बहुत आराम से किया जा सकता है। ये वाटर सॉल्युबल जिंक होता है, इसलिए ये जिंक डेफिशिएंसी, जब शरीर में जिंक की कमी होती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट एक ऐसी बहुत अच्छी क्रीम है, जब कोई जल जाए, कट जाए और उसके स्किन पे जल गया हो, फोले पड़ गया हो, तो सिल्वर नाइट्रेट क्रीम लगाइए, उसका जला भी ठीक होगा और उसके शरीर पे, चेहरे पे, स्किन पे जले का दाग भी नहीं पड़ेगा। तो ये सिल्वरेक्स के नाम से मार्केट में बिकता है, बहुत ही अच्छा क्रीम है सिल्वर नाइट्रेट। में आपको बता रहा हूँ, अगर आपके घर पे कोई जल जाए किसी से, इसको लगाने से, बाकी क्रीम लगाएंगे तो जला हुआ ठीक हो जाएगा लेकिन दाग नहीं जाता, सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल करने से दाग भी खत्म हो जाता है। ठीक है, ये नागरिक का फॉर्मूला होता है, AgNO3। ये एक वर्सेटाइल प्रिकर्सर होता है, अलग अलग फोटोग्राफिक ग्रेड वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जो होते हैं ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइमोलर पिलर होता है, ये आपको जानना नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनाते हैं, सिल्वर मॉलिक्यूल का सिल्वर मेटल ले लीजिए, Ag सिल्वर मेटल, चांदी मतलब चांदी, उस चांदी को नाइट्रिक एसिड में गला दीजिए, चांदी को लीजिए नाइट्रिक एसिड गला दीजिए, Ag को HNO3 के साथ लगाएंगे तो आपको सिल्वर नाइट्रेट मिलेगा और पानी और नाइट्रिक एसिड अलग हो जाएगा। इस तरह से चांदी को गला करके सिल्वरेक्स क्रीम बनाए, इसलिए इसको मानते हैं सिल्वरेक्स क्रीम कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो ये लाइट के साथ प्रभावित होता है, इसलिए इसको अंधेरे में या बंद कंटेनर में रखते हैं, जो थोड़ा सा डार्क कंटेनर हो, हमेशा टाइट क्लोज रखना चाहिए, लाइट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और एक्सपोजर और लाइट को बचाना चाहिए। यूज क्या है, मैंने आपको पहले बताया, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, एंटीसेप्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरह का किसी भी न्यू बॉर्न बेबी के लिए आई ड्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, गोनोरियल इन्फेक्शन के लिए, जो माँ से बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है उसको बचाने के लिए इसका ड्रॉप यूज करते हैं, बाकी सन बर्निंग की तरह इस्तेमाल करते हैं क्रीम, सॉरी बर्निंग के लिए क्रीम की तरह। तो दोस्तों ये टॉपिक था, जो हमारा टॉपिक था वो है टॉपिकल एजेंट्स, बस इतना ही था, हमने खत्म कर लिया है, एक पूरा का पूरा चैप्टर हमने आज क्लास में खत्म कर लिया है, थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया 40 मिनट का, और लेकिन हम लोगों ने क्लास को ओवर कर लिया है। कल मैं क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज रखूंगा, मैं कल क्लास हो सकता है कि आपसे 1 या 2 बजे से मैं लाइव क्लास रहा, 2 या 2:30 बजे, क्योंकि मुझे शाम को नहीं रहूंगा, मैंने बताया था घर में शादी है तो बहुत बिजी शेड्यूल है, मुझे फिर से निकलना होगा 2-3 दिनों के लिए, तो कल कोशिश करूंगा तो मैं 2:30 बजे लाइव आऊंगा क्लास में। जो लोग क्लास ले लेंगे अच्छी बात है, जो नहीं ले पाएंगे कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं आपसे कल एक नए क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।